साथियों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो सुलेख लिखना सीखें कि आज के वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है छुपा हुआ खजाना। तो आइए छुपा हुआ खजाना कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखें, यानी कि सुलेख लिखना सीखें। हमारे बहुत से साथियों को शिकायत रहती है, सर हमारी राइटिंग बहुत ख़राब है, हम अपनी राइटिंग कैसे सुधारें। तो राइटिंग सुधारने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग सुलेख लिखने का अभ्यास किया करें। जितनी ज़्यादा आप लोग सुलेख लिखेंगे उतना ही जल्दी और अच्छे से आप लोग राइटिंग सुधार पाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग सुधारने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है सुलेख लिखना। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ लिखने के लिए तैयार होंगे। लिखेंगे एक किसान था, एक एक किसान था, एक किसान था, उसके बेटे उसके बेटे बहुत आलसी थे, बहुत आलसी आलसी थे, वे कुछ काम नहीं करते थे, वे कुछ काम नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, नहीं करते थे, और घर पर घर पर पड़े रहते थे। विराम लिखेंगे। एक दिन किसान ने किसान ने एक दिन किसान ने उनसे कहा, उनसे कहा, एक दिन किसान ने उनसे कहा कि मैंने खेत में
कहा कि मैंने खेत में खजाना छुपाया था। मैंने खेत में खजाना छुपाया था। विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे तुम लोग जाओ। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ और उसे ढूंढ कर खोद लो और उसे ढूंढ कर खोद लो। किसान के बेटों ने किसान के बेटों ने किसान के बेटों ने पूरे खेत को खोद डाला। पूरे खेत को खोद डाला। खोद डाला परंतु उन्हें खजाना नहीं मिला। खजाना नहीं नहीं मिला। परंतु उन्हें खजाना नहीं मिला। विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे किसान ने
किसान ने उन्हें पानी खेत में बीज बोने की किसान ने उन्हें खेत में बीज बोने की बीज बोने की सलाह दी। सलाह दी। सलाह दी। विराम लिखेंगे, आगे लिखेंगे, समय आने पर खेत में समय आने पर आने पर खेत में खेत में बहुत सा अनाज पैदा हुआ। बहुत सा अनाज पैदा हुआ। पैदा हुआ। पैदा हुआ। विराम लिखेंगे, अब किसान के बेटे, किसान के बेटे अब किसान के बेटे के बेटे समझ गए समझ गए कि अब किसान के बेटे समझ गए कि कर्म ही कर्म ही छुपा हुआ छुपा हुआ खजाना है। खजाना है। विराम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने सुलेख लिखना सीखा। सुलेख लिखना सीखने के अंतर्गत आज हमने एक छोटी सी कहानी लिखी। कहानी का नाम था छुपा हुआ खजाना। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पूरी देखी होगी।
और आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही जल्दी हिंदी लिखना पढ़ना सीख जाएंगे। और लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय हिंदी।